Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Dr. Baba Sahib Ambedkar International Airport, Nagpur. मैं रागिनी जैन हूँ. मैं पिछले 20 बरस से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन पे काम कर रही हूँ. मैं अल्मित्रा एच पटेल, जो कि अर्बन स्वच्छ भारत में नेशनल एक्सपर्ट है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपोस्टिंग, उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ और स्वच्छ अर्बन भारत के लिए काम कर रही हूँ. जब मैं नागपुर में आई और मैंने डंप यार्ड पे आई, तो उस वक्त हर दूसरे डंप की तरह यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा डम था. कर्मचारियों की मदद से जो पहले पुराना कचरा था, उसको हमने 4 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊंचा विंडोज बनानी शुरू की और बीच में हमने 3 फीट की नाली देनी शुरू की. उससे ये हुआ कि हमें जो 3 फीट मिला, उसके आगे फिर वापस हमने 4 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा हमने विंडो बनानी शुरू कर दी. तो एक के बाद एक बनती चली गई. विंडो बनाने से इनके दो फायदे हुए. एक तो इनका कचरा जो 6 लाख टन है, जो हमने विंडोज 5 फिट की बनाई थी, वो दो दो ढाई ढाई फिट नीचे हो गई. तो इसका मतलब है कि वो कचरा रिड्यूस हो रहा है और वो ये कचरा बायो माइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है. इस विंडोज को बनाने से ये फायदा भी हुआ कि जो इनके जेसीपी हर तरफ लगे रहते थे, पहाड़ बनाते जाते थे, आज इनके जेसीपी का भी खर्चा कम हो गया, जिससे कि एक जेसीपी खड़ा है जो डेली का कचरा आ रहा है उसको विंडोज के पास ही खड़ा है. वो विंडोज के शेप में कचरा डलता है और उसको वो विंडोज बनाता जाता है. तो इससे इनका जो डीजल है, इनकी मैन पावर है, इनकी जो दूसरी तकलीफ है, वो काफी हद तक कम हो गई और इनका खर्चा काफी स्टेबलाइज हो गया. कूड़ा बंद गाड़ियों में इस जगह तक लाकर खाली किया जाता है. जेसीबी से कूड़े को विंडोज की छोटी पहाड़ियां बनाई जाती है, जो 5 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी होती है. ऐसी दो पहाड़ियों के बीच में 3 फुट का फासला दिया जाता है. पहाड़ की लंबाई जगह के हिसाब से रखी जा सकती है. इन पास पास बनाई गई विंडोज ढेरियों को एक सप्ताह के अंतराल पर 4 बार जेसीबी से पलटा जाता है. बदबू को नियंत्रित एवं सड़न क्रिया को तेज करने के लिए जैविक कल्चर छिड़का जाता है. जैविक कल्चर बिना अतिरिक्त खर्च के मक्खियों को नियंत्रित करने में एवं ब्लीचर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस विधि से विंडोज 50% घट जाता है. अभी हम लोग यहाँ पे डंप साइट पे आए हैं. डंप साइट पे हमारा प्रोसेसिंग कैपेसिटी अच्छा ना होने की वजह से यहाँ पे डंपिंग हो रहा था और कुछ ही महीने के पहले ही, 1 महीना पहले ही हमने यहाँ पे विंडोज का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है. जिस दिन से हमने विंडोज का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है, उस दिन से इस जगह की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार विजिबल रूप से आया है. 1-1.5 महीना पहले अगर आप यहाँ पे आए होते तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में फ्लाइज थी और आपकी गाड़ी अंदर घुसते ही उसको पूरा ब्लैक कवर हो रहा था फ्लाइज का. यहाँ पे बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे और आज मैं 1-1.5 महीने के बाद आके देख रहा हूँ, यहाँ के ढेर काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं. यहाँ पे काफ़ी हद तक फ्लाइज की संख्या कम हो चुकी है. आई कैन स्टैंड और मेरे बॉडी के ऊपर अभी फ्लाइज बैठी हुई दिख नहीं रही है. इट इज़ अ बिग अचीवमेंट. जो भी हम लोग यहाँ पे 1.5 महीना पहले आप आए होते तो यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाते थे, स्मेल इतनी ख़राब थी. बट सडनली यहाँ पे जो भी हमने सॉल्यूशन डाला है और जो भी विंडोज बनाया है, जिसमें जो सेटल होने की, जो वेस्ट सेटल होने की जो प्रक्रिया है, वो अच्छी तरीके से शुरू हुई है. यहाँ पे लिचेट की एक नदी बह रही थी. अगर वो साइट आपने अगर 1-1.5 महीने पहले देखा होता तो बहुत ही भयावह चित्र था और हमें भी खुद बहुत खेद हो रहा था कि हम ऐसे किसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन था नहीं. पर ये जो सॉल्यूशन विंडोज टेक्निक जो एग्जिस्टिंग डंप साइट के ऊपर हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
उसकी बदौलत काफ़ी हद तक यहाँ पे लिचेट भी कम हो चुका है, लिचेट स्टेबलाइज होने लगा है और लिचेट को ईट आउट भी कर देगा, ऐसे हमने कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सब देखते हुए दिस प्रोसेस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस, और मुझे विश्वास है कि जैसे ही हम सिस्टमेटिकली और इसके ऊपर काम करते जाएंगे, दिस विल बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर ऑल। ये जगह बायो माइनिंग के लिए तैयार है, जिससे कम कूड़ा रह जाएगा और इस जगह का लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है।